السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما

अल्लाह तबारक के करम से आपके सामने पेश करता आ रहा हूँ नबूवत के तेरहवें साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने सहाबा को मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म दिया अब हिजरत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी और मश्रकन मक्का ने किस तरह महाजरीन को सताया और अब रसूल सल्लाम ने किस तरह उसको अपने ईमान और अपने शौक़ के साथ मुकम्मल किया और तमाम मुसीबतों को सहा ये बातें हमने गुजत के दरस में आप लोगों के सामने बयान की अब मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत की तैयारी भी कर चुके थे लेकिन नबी का मामला ये होता है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला के इज़न न आए इजाज़त ना हो वो हिजरत नहीं कर सकता ये मामला इसी वास्ते अहम तरीन है कि आप लोग सब जानते हैं कि हज़रत अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था इस वाक़े में हमें ये सबक मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताली ने उस मछली को क्यों हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस को अपने पेट में रखो इसी वास्ते कि अल्लाह तबारक व ताली के, के हुक्म आने से पहले मुशरकिन जो थे उस वक्त और जो कौम थी उनकी नाफ़रमानियों को देख कर हज़रत यूनुस गुस्सा हुए और बग़ैर इज्न इलाही के हिजरत करने के लिए निकल पड़े अब हिजरत करते हुए जब समंदर आड़े आया और समंदरी सफ़र में ये बैठ गए तो वहाँ ये वाकिया पेश आया और अल्लाह तबारक व ये वाकिया कुरान में ज़िक्र किया तो मालूम हुआ कि अम्बिया अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व का खुसूसी इज़् होता है तभी वो हिजरत करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ तक के इन लोगों की जो मश्रिकीन मक्का की पार्लियामेंट थी इस पार्लियामेंट में जो कि दारुलदवा कहलाती थी वहाँ पर इन लोगों ने भांप लिया कि एक एक करके निकल रहे हैं तो कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम भी ना निकल जाएं अगर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम निकल गए और ये क़ुव्वत जमा कर ली मदीना जाकर तो फिर तो क्या है इन लोगों ने समझ लिया कि हमारे लिए सबसे बड़ी शिकस्त होगी ये हम नहीं करने देंगे तो उन्होंने भी अपनी प्लानिंग के लिए एक इज्तम जो ख़तरनाक तरीन इज्तम था तारीख़ का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरूद बिल्ला नरोद बिल्ला क़त्ल करने की साजिश के तौर पर जमा हुए थे और इस वक्त शैतान मलून भी उनके साथ जमा हो गया जब सब लोग आ गए तो सबसे पहले बात शुरू की अबुल अस्वद ने और उसने कहा कि इस मामले को जितना हम सोचा उससे कहीं आगे बढ़कर ये निकला और इसकी वजह से रोज़ बरोज़ वो लोग ताकतवर होते चले गए यानी अब रसूलुल्लाह, तो हम क्यों ना इस शख़्स को निकाल बाहर करें जिलावतन कर दें फिर हमें इससे कोई वास्ता नहीं रह जाता वो कहाँ जाता है क्या करता है हमारा मामला तो ठीक हो जाएगा मक्के के अंदर तो हमारा वही मामला हो जाएगा जो इससे पहले था लेकिन जो बदबक शेख बन के शैतान मलऊन आया था उसने कहा कि नहीं जी ये राय मुनासिब नहीं है तुम देखते नहीं कि इस शख्स की बात कितनी उम्दा और बोल कितने मीठे हैं कौन बोल रहा है ये शैतान बोल रहा है शैतान वहां के एक कबीले के सरदार की शक्ल में आके बैठ गया था अब जब अबुल अब ने यह कहा कि जिलावतन कर देंगे हम तो इसने फौरी तौर पर कहा कि ना ना ना, क्योंकि ये बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगु करने वाले हैं और इनके पास वो बातें हैं जो हर कोई मुतासर हो जाता है वो जो कुछ भी बोलता है वो दिलों को जीत लेता है अगर हमने ऐसा किया तो वो बाहर जाकर जहां भी जाएगा वहां लोग मुतासर होंगे और बहुत जल्द एक सबसे ज़बरदस्त क़वत मिल जाएगी फिर वो उसी क़वत के ज़रिए तुम लोगों को भी क्या है मक्के से निकाल दे तो ऐसा ना करो कोई दूसरी तजवीज़ कोई दूसरी क्या है सोच है तो वो बताओ तो अबुल अबुलब्तरी उसने कहा कि हम इसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ दें और क़ैद कर दें और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दें और भूखे पैसे हम उनको छोड़ दें यहाँ तक के नरोज़बिल्ला नगर जबिल्ला वहीं पर उनका इंतकाल हो जाए जैसा कि इससे पहले जो तोहद के अलमबरदार कुछ लोग थे उनको भी इन लोगों ने ऐसा ही किया तो उसने कहा कि वैसा ही हम इनको भी कर देंगे ऐसे वक्त में फिर शैतान मलून ने कहा बदबخت ना 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 ये भी नहीं ये भी मुनासिब राय नहीं है क्योंकि वल्ला अगर तुम लोगों ने इनको क़ैद कर दिया जैसा कि तुम कह रहे हो और ये खबर जैसे भी हो एक ना एक दिन इनके साथियों तक पहुँचेगी मदीना भी पहुँच जाएगी तो उस शख्स के जो साथी हैं वो इतने मज़बूत और इतने अज़म वाले हैं वो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर उनको छुड़ाने के लिए तन मंधन लगा देंगे और अगर लड़ाई हो तो शायद तुम शिकस्त खा जाओ और वो फतह पा जाए तो लिहाजा ये राय भी शैतान खुद के राय साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा ये अंदाजा करो शैतान ये कह रहा है कि वो ऐसे साथी हैं इस नबी के वो जरूर इनको तलाश करते पहुंच जाएंगे और इनको निकालने के लिए अपना तन तनमधन कुर्बान कर देंगे और उनको जरूर भी जरूर मदद के लिए आएंगे ऐसे साथियों के होते हुए हम इस शख्स को कैद करके नहीं रख सकते शैतान तो जो लोग असाब रसूलुल्लाह पे तान करते हैं वो शैतान भी मान रहा था असाब अलैहि वसल्लम की वफादारी को ईमान को तन बंधन लगा देने को कुर्बानी को शैतान मान रहा था लेकिन ये सबसे बड़ा मलून शैतान कौन जो आज बैठा हुआ है नेट पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये साहबा पर लान तान करता है तो समझ लीजिए शैतानों का शैतान है जो बैठा हुआ है जरा तो अंदाजा कर ले शिया जो लान तान करते हैं साहबा पर शैतानों के शैतान है शैतान भी शर्मा जाए इनकी गलत बयान है बदबको मैं तो कायल था साहबा की अजमत का लेकिन तुम कायल उसके भी नहीं हो तो गर्ज के उसने कहा कि यह राय भी मुनासिब नहीं है तो लिहाजा क्या है दूसरी कोई राय तजवीज करो फिर इसके बाद दूसरी राय के सिलसिले में जो तमाम मेंबरों ने इत्तेफाक भी किया इसे पेश करने वाला मक्के का सबसे बड़ा शैतान अबू जहल था हाँ वो शैतान इस शैतान की बातों में आकर बड़ा शैतान छोटा शैतान जब दो शैतान मिल जाते हैं तो क्या क्या होता है देखिए तो इसने कहा कि मेरी एक राय है मैं देखता हूं कि अब तक तुम में से कोई उस तक नहीं पहुंचा लोगों ने कहा कि अबुल हकम क्या है क्योंकि इसकी असल कुनियत जो थी ना वो अबुल हकम थी हिकमत का बाप इसकी नाफरमानियों की वजह से इसका नाम अबू जहल पड़ गया हाँ जहल का बाप इसका शिरक इसकी नफरूसत इसकी नाफ़रमानी इतनी बड़ी कि अबुल हकम रखने वाला इस्लाम में अबू जहल हो गया याद रखो इस्लाम से ही असल में इज्जत है इस्लाम ही है जो तुम्हें इज्जतें देता है तोहीद ही है जो तुम्हें इल्म देता है जिसके पास तोहैद नहीं है उसके पास ना हमत है ना इल्म है मुशरक़ को कोई चीज़ नहीं है वो जहल का बाप होता है इसी वास्ते इसका लक़ब बदल दिया गया अबुल हकम नहीं है मुशरक़ी तो अब कहते थे इस्लाम ने उसे अबू जहल कहा तो उसने कहा कि मेरी राय यह है कि हर कबीले से एक मजबूत साहेब नस्ब और एक बेहतरीन नौजवान मुंतखब किया जाए फिर हर एक को एक एक तलवार दे दिया जाए फिर इसके बाद हम सब मिलकर अल्लाह के रसूल वसल्लम को घर को एक बारगी घेर कर हमला करें और तलवार मारकर कत्ल कर दें जैसे ही एक ही आदमी की तलवार ने कत्ल किया हो वैसे ही हम सब मिलकर ऐसा तलवार का वार करें एक आदमी कत्ल करने के बराबर हो जिसमें सब हिस्सेदार बन जाएं, तो हम क्या होगा नवूद बिल्ला इस शख्स से राहत मिल जाएगी और इस तरह कत्ल करने का नतीजा यह होगा कि इस शख्स को जो कत्ल किया है उसके खानदान वाले जो उस वक्त के कबायली रिवाज के मुताबिक कत्ल ना कर सकेंगे क्योंकि उसमें एक आदमी शरीक नहीं है पूरे कबाइल के लोग शरीक हैं तो सबसे लड़ते कहाँ फिरेंगे इस वास्ते वो खून बहा दियत के लिए तैयार हो जाएंगे और हम जो भी वो मांगे दियत में हम वो दे के बनो हाशिम से छुटकारा पा लेंगे ये था उसका आइडिया जो बड़ा शैतान मलरून शैतान जो अंदर बैठा हुआ था इबलीस ने कहा कि हाँ ये है वो बात जो हो सकती है जो इसने कही है मेरा चेला जो था वो जो बोला है ना वो बिल्कुल सही बात है यानी उसका जो फ़लसफा था वो क्या था कि हम अकेले अगर किसी को कतल करेंगे तो बनो हाशिम हमसे लड़ेंगे क्योंकि वो कबायली तौर पर मुसलमान हों या काफिर कबीले को नुकसान पहुँचाए कोई फर्द तो उससे पूरा कबीला लड़ता है तो उसने कहा कि अगर हम पूरे कबाइल जमा हो के उस कत्ल में हिस्सेदार बन जाएंगे तो बनो हाशिम और अब्दुल मुनाफ कुरैश के सब कबीलों से लड़ते नहीं फिर सकते थक हार के वो लोग खून बहा के लिए कहेंगे उस वक्त दियत जो भी होगी वह जो भी मांगेंगे हम दे के क्या है मामला ख़त्म कर देंगे ये बदबक यहाँ ये मकर कर रहे थे तबारक तआला इनके साथ बहुत बड़ा मकर कर रहा था ये मकर का लफ्ज मैंने इस वास्ते कहा कि मुकाबलता वरना अल्लाह तबारक इस लफ्ज से पाक है अल्लाह कहा तो इस पर शैतान मलरून ने कहा कि हाँ जी ये बात रही इस बात पर इत्तेफाक कर लो और इसको अमल कर डालो मंसूबा मुकम्मल कब करना है अभी चलो तैयार हो जाओ आज ही रात घर जाओ तैयारी करो इस तैयारी में फौरी तौर पर तैयार होके आओ और हम दरअसल ये काम कर डालें यह कह कहकर मीटिंग यहां खत्म हुई यहां क्या हो रहा था दूसरी तरफ रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह तबारक तआला अपने नबी को किस तरह इन सब के होते हुए इनके आंखों के सामने से अपनी नबी की हिफाजत करके मदीना पहुंचाना रब्बुल आलमीन तय कर चुका था और अल्लाह जो तय करता है अल्लाह जो इरादा करता है कायनात की कोई ऐसी हस्ती नहीं कायनात का कोई ऐसा ताकतवर तरीन इंसान नहीं कोई ऐसी जमात नहीं किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि अल्लाह तबारक तआला के इरादे को तोड़ दे माकान अल्लाह जिजाशही अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते बद तबारा व तआला फैसला कर चुका था कि मेरा नबी कल रसूली मैं और मेरा रसूल ही गालिब हो कर मैंने लिख दिया तो रसूल कभी शहीद नहीं होता नबी शहीद होते हैं रसूल अल्लाह तबारा व तआला ने किसी रसूल को शहीद होने नहीं दिया इसीलिए फरमाया कि किब्ला बन यहां तक कि हज़रत ईसा के बारे में जब इन लोगों ने बदबकतों ने कहा कि हमने सलीब चढ़ा दी तो फरमाया कि वमा कतल सलबू वन शबी बदब्तो वो न कतल हुए न मसलूब हुए बल्कि मामला मुशतबा डाल दिया गया बर्रफा अल्लाह ने तो उन्हें उठा लिया आज भी हैं जो कौम अपने नबी को कत्ल करने की साजिश करती है अपने रसूल को कत्ल करने की साजिश करती है वो बर्बाद होकर रह जाती है उसकी बर्बादी यकीन है इसी वास्ते समझ से समझ लीजिए अल्लाह तबारक जब इनसे बचा लिया और ले गया मदीना फिर मक्का फतह हुआ तो उनको चार ही महीने की मोहलत मिली कि जो भी अब हैं उनके लिए चार महीने हाँ चार महीने के अंदर अंदर इस्लाम कबूल कर लेना है तो बाज लोग इस आयत को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं हालांकि उनकी सजा उसी वक्त नाफिज़ होना थी जब इन्होंने कतल की प्लानिंग की थी अल्लाह ने यहाँ पर छूट दी तो बहरे कैफ़ जब यहाँ पर ये यह बात तय हो गई निकले ये लोग तैयारी करके आने के लिए इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल नाजिल हुए और वही की के आपकी खिदमत में वही वो वही क्या थी आप सल्लल्लाहु को कुरैश की साजिश से आगाह करते हुए जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह ने आपको यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है और ये कहते हुए हिजरत का वक्त का तयन कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अपने उस बिस्तर पर ना गुजारें जिस पर अब तक गुजारा करते थे यह भी इंटीमेशन दे दिया हाँ इधर जब्राइल वही ले आके बता दिया और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये खबर पाए ठीक दोपहर के वक्त सिद्दीक अकबर के घर की तरफ रवाना हुए क्योंकि अरब में उमूमा दोपहर के वक्त में कोई नहीं निकला करता ये खैल्ला का वक्त है उन लोगों का आज भी है ये उन लोगों का एक क्या है मुआशरती निज़ाम है दोपहर में वो सोते हैं कुछ देर के लिए ही सही और यही रिवाज था उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त जब निकल के सिद्दीक अकबर के घर आए तो उनके लिए बहुत बड़ी क्या है परेशानी और ताज्जुब हुआ कि ऐसे वक्त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए वो फौरी तौर पर ये इतला देने के लिए कि सिद्दीक अब हमें हुक्म मिल चुका है कि हिजरत के लिए फ़ला वक्त रात में हम निकल जाए ताकि इन लोगों की साजिश बेनकाब हो जाए और साथ में ये खुशखबरी कि मेरे सफ़र का साथी हिजरत का कौन आप बनेंगे ये खुशखबरी लिए हुए आ रहे थे इसीलिए अम्मा आयशा अन्हा का बयान है सही बुखारी के अंदर ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर अन के मकान में बैठे थे कि किसी कहने वाले ने कहा कि अबू बकर अब अन ये देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके तशरीफ ला रहे हैं धूप थी ना आय दोपहर के वक्त अरब की चिलचिलाती धूप और ये ऐसा वक्त था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया नहीं करते थे अबू बकर ने कहा कि मेरे मां बाप आप पर कुर्बान आप ऐसे वक्त में जरूर किसी अहम मामले की वजह से ही तशरीफ लाए होंगे फौरी तौर पर दौड़ते हुए इस्तकबाल किया अम्मा आयशा बयान करती हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम तशरीफ लाए इजाजत तलब की आपको इजाजत दी गई आप अंदर दाखिल हुए आदाब देखो आदाब देखो रसूल अपने सबसे जिगरी यार सिद्दीक अकबर से मिलने लेकिन इजाजत तलब करके हाँ कितने भी दोस्तों आदाब इस्लामी को ना भूलो हम जरा फ्री होते हैं किसी दोस्त के घर में बिला कोई इजाजत हाँ घर के अंदर नहीं बेडरूम में तक दाखिल हो जाता और कहता कि क्या है जी तो दोस्त है ना जी अल्लाह के रसूल इजाजत तलब के फिर इजाजत के बाद अंदर दाखिल हुए और सिद्दीक अकबर से फरमाया तुम्हारे पास जो लोग भी हैं इन्हीं परे कर दो हटा दो क्योंकि खास बात है जिसको मैं करने के लिए आया हूं सिद्दीक अकबर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कहा कि अल्लाह के रसूल कौन अजनबी है रसूल कौन सिद्दीक के घर में अजनबी है एक ही सिद्दीक है सिद्दीक का परिवार है खानदान है जो पूरा का पूरा आपका अपना आपके लिए जानिसार आप के लिए तनबंधन लगा देने वाला ये मेरी बेटी है जो आपकी जव है, ये मेरी बीवी है जो आपकी सास है सब तो आप ही के हैं अल्लाह के रसूल अजनबी है कौन मेरे मां बाप आप पर फिदा हो अल्लाह के रसूल फरमाई है जो फरमाना है सब भरोसे के लायक अपने हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तो सुनो मुझे हिजरत की इजाजत मिल चुकी है सिद्दीक अकबर ने डरते डरते पूछा अल्लाह के रसूल साथ में कौन मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया कि तुम हो साथ में मारे खुशी के सिद्दीक अकबर के अल्फाज नहीं निकल रहे थे इसी वास्ते तो मैं दरअसल क्या इंतजार कर रहा था उम्मीद लगाया हुआ था कि इस सफर में अल्लाह के तबार को वाला अल्लाह के रसूल का साथी बजा बना दे मुझे ये फजीलत को भी मिलने वाली थी वो बहुत बड़ी फजीलत वाला था ना जी? तो सिद्दीक अकबर की दुआएं भी यही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम ही साथ में हो इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके अल्लाह के रसूल सल्ला अपने घर से व... अपने घर वापस तशरीफ लाए और रात की आमद का इंतजार करने लगे क्योंकि रात का वक्त मुतिन किया गया था कि तुम्हें निकलना है इधर ये तैयारी मुकम्मल हो रही थी अब इधर देखो जिन लोगों ने पार्लियामेंट में यह तय कर लिया था जिसमें शैतान मलून खुद इबलीस शामिल हो के क्या है इस मशवरे की तइद की और छोटा शैतान अबू जहल ने पूरी पूरी क्या है तैयारी के लिए कह दिया और ऐसी तजवीज पेश की जो शैतान ही पेश कर सकता है और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिल गई अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इंतज़ार रात का इंतज़ार कर रहे हैं और इधर क्रैश के मुजरम जो कुछ तय किए थे वो अपना सारा दिन मक्के की पार्लियामेंट में दारदवा में बैठ बैठ के क्या क्या प्लानिंग कैसे करना है किन को बुलाना है कौन कौन शामिल होना है पूरे के पूरे वो भी क्या हैं तैयारी कर रहे थे और खासकर इन इनमें ग्यारह सरदार हुए जो कुल मिलाकर मुंतखब हुए कि ये सब के सब अपनी एक तलवार लेके एक साथ वार करेंगे और इसमें नंबर एक अबू जहल नंबर दो हकम बिन आस नंबर तीन अकबा बिन अबी मुआत नंबर चार नजर बिन हारिस नंबर पांच उमैया बिन खल्फ नंबर छह जमा बिन असवत नंबर सात तो बिन आदि नंबर आठ लहब ये एक बदबक था जो हाशमी होने के बावजूद भी इनसे शरीक था बदबरीन इंसान था और नंबर नौ उबई बिन खल्फ नंबर दस नुबैया बिन अलहजाज नंबर ग्यारह इसका भाई मुनबा बिन अल ये ग्यारह लोग अपने अपने कबाइल के सरदार भी थे अपने अपने कबीले से नुमाइंदे बन के आए थे और सोच रहे थे कि हम एक साथ बिल्ला नरोज़बिल्ला बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का वार करेंगे और हम ग्यारह कबीलों से तो बनो हाशिम नहीं लड़ सकते तो इस वास्ते वो लोग किसी न किसी तरह खून बहा मांग लेंगे तो हम उनको दे देंगे। इब्ने इस हाक के बयान के मुताबिक जब रात जरा तारीख हो गई और लोग घात लगाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का इंतजार करने लगे जब सो जाए तो ये लोग अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े ये यहां पर गहराव कर रहे थे इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम वो खास वक्त का इंतजार कर रहे थे जब यहां से निकलना था और हुआ ये कि ये लोग पूरे यकीन और बड़ी खुशी से इनके दिल अंदर से नाच रहे थे कि ये कामयाब साजिश है जो आज हम कर रहे हैं यहाँ तक कि अबू जहल बड़े ही तकबर के साथ गुरूर के अंदाज में मज़ाक और इसतज़ा करते हुए अपने घेरा डालने वाले जो और मुजरमीन साथी थे उसने कहा मोहम्मद नवूज़बिल्ला सल्ला कहता है कि अगर तुम लोग इस दीन में दाखिल होकर इसकी पैरवी करोगे तो अरब अजम के बादशाह बन जाओगे फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए उर्दन के बाग़ात जैसी जन्नतें होंगी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो इसकी तरफ से तुम्हारे लिए ज़िबह के वाकयात होंगे यानी जंग होगी फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे ये सब बातें उसकी है लेकिन आज तो हम इनको कतल करने वाले हैं नज़बिल्ला तो ये लोग भी अपने मुकर वक्त पर आकर क्या किए अल्लाह के कि रसूल अलैहि वसल्लम का घर का घेराव कर दिए तय यही हुआ था कि हमको घेराव करके पहले ये नोट कर लेना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हैं फिर ये जैसे ही निकलेंगे हम एक साथ उन पर वार करेंगे और इन लोगों को मालूम था कि अल्लाह के रसूल सुबह सवेरे अपने घर से निकल कर सीधे काबतुल्ला पहुँचते और वहाँ पर नमाज अदा करते हैं तो इन लोगों को यकीन था कि आज भी उसी तरह निकलेंगे और हम सब मिलकर एक ही वार से ख़त्म करेंगे इस तरह हमारी साजिश कामयाब हो जाएगी अजीब मंजर था जो कभी आसमान ने ना देखा था ना जमीन ने अपने ऊपर पाया था फजाओं हवाओं के अंदर एक तरह से इर्त्याश पैदा हो रहा था कि होगा क्या क्या अल्लाह तबारक तआला अपने नबी को अकेला छोड़ देंगे और अबू जहल और शैतानों की साजिश कामयाब हो जाएगी तारीख़ का एक बहुत अहम तरीन फ़ैसला होने वाला था आगे क्या होगा हर कोई देख रहा था और हुआ क्या वो इन आप अगले मजलिस में देखेंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए हादा आदाविल तौफ़ी व्ला वसलम आबीन महमद अलीमस वरम् वबरक